मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारों में गंगा के लिए केवल एक्शन प्लान बनता था और गंगा प्रदूषित ही रहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा के सामाजिक, आध्यात्मिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए नमामि गंगे परियोजना को शुरू किया, भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार नई टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 को जून में लागू करेगी। इसके तहत 5 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया है। इतनी सौर ऊर्जा से पावर रूम संचालन को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई योजना का संचालन किया जाएगा। इसके लिए हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग की ओर से 500 सोलर लूम बनाकर बुनकरों में बांटे जाएंगे। INS विक्रांत हेराफेरी मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया सोमवार को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए। जानकारी के मुताबिक सोमैया सुबह 11 बजे दक्षिण मुंबई में पुलिस आयुक्त के कार्यालय पहुंचे। दरअसल संबंधित मामले में आर्थिक अपराध शाखा की ओर से सोमैया और उनके बेटे को समन जारी कर तलब किया गया था। हालांकि इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने INS विक्रांत से जुड़े धोखाधड़ी मामले में भाजपा नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार चले NCP नेता नवाब मलिक को एक बार फिर से झटका लगा है। विशेष अदालत ने मलिक की हिरासत को फिर से बढ़ा दिया। वो 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे। इससे पहले नवाब मलिक 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश हुए थे, जब कोर्ट ने 18 अप्रैल तक उनकी हिरासत को बढ़ा दिया था। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोविड के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NCR के जिलों और लखनऊ में मास्क पहनना जरूरी करने का निर्देश कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि NCR के जनपदों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाया जाना अनिवार्य किया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने UP MP में आरोपियों पर बुलडोजर चलाने पर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकारों पर निर्दोष लोगों पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सोमवार को गहलोत ने कहा कि करौली में बिना मतलब के दंगे हो गए। ये लोग जानबूझकर उसे लंबा खींच रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इनके शासित राज्यों में बुलडोजर चल रहे हैं। UP MP में निर्दोष लोगों पर बुलडोजर चल रहे हैं, उनकी परवाह नहीं है, यहाँ राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में शनिवार को हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर सोमवार को पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने केस में हुई अब तक की डेवलपमेंट की जानकारी दी। कमिश्नर अस्थाना ने कहा, हम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, कोई शख्स जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ बिना किसी धर्म, जाति आदि के भेदभाव की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर शनिवार के पथराव के बाद भड़की हिंसा के मामले की जांच के लिए SFL की टीम सोमवार को सुबह घटना स्थल पर पहुंची। टीम यहां से फॉरेंसिक सबूत जुटाएगी। फॉरेंसिक टीम मस्जिद और उसके आसपास की गलियों में जाकर जांच कर रही है। जिन छतों पर पथराव किए गए उनकी भी जांच की जा रही है। रूस यूक्रेन की जंग को 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी शहर पर हमले तेज कर दिए। ताजा अपडेट के मुताबिक लवीव शहर में रूस ने 5 शक्तिशाली घातक मिसाइलें दागी हैं। इसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हैं। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस पूर्वी डोनबास इलाकों को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान के NPM शहबाज शरीफ नए मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार शरीफ ने शनिवार की रात को नई कैबिनेट की पोर्टफोलियो को तैयार कर लिया है। इस कैबिनेट में शरीफ अपने सहयोगियों को शामिल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल में उन लोगों को भी जगह मिलेगी जिन्होंने इमरान को हटाने में शरीफ का साथ दिया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।